Hey guys, Nawazir from thenotone.com. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्ट क्लासिक ब्रिटिश साईफाई टीवी सीरीज डॉक्टर हु के बारे में। शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ हम मेडिकल डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। ये शो पूरी तरह से एलियंस, टाइम ट्रैवल और लेजर ब्लास्टर वाली लड़ाइयों से भरा पड़ा है। मुझे पक्का यकीन है कि आप में से 90% लोगों ने डॉक्टर हु का नाम पहली बार सुना होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उन बचे हुए 10% लोगों में से हो जो डॉक्टर हु का नाम सुनते ही उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने इस वीडियो तक पहुंच गए। वेट, अगर ये शो इतना अननोन है तो मैं इसे कल्ट क्लासिक क्यों बुला रहा हूँ? सिंपल, क्योंकि आप अभी तक उस स्पेशल कल्ट का हिस्सा नहीं बने, और चांसेस है कि थैंक्स टू मी आप भी अगले कुछ मिनटों में इस स्पेशल कल्ट का हिस्सा बनने वाले हैं। मैंने पहली बार डॉक्टर हु के बारे में एक्सीडेंटली सुना था 2013 में, जब सारे पॉपुलर नर्डी वेबसाइट्स बस इसी के बारे में बात किए जा रहे थे। क्यों? वेल, क्योंकि 23 नवंबर 2013 को डॉक्टर हु की 50वीं सालगिरह थी, 50th एनिवर्सरी। इसका मतलब ये नहीं कि ये शो 2013 से 50 साल पहले आया था, इसका मतलब ये है कि ये शो 50 सालों से चला जा रहा है और आज 2020 में भी चल ही रहा है। वेल, टेक्निकली बीच बीच में इन्होंने लंबे लंबे गैप्स लिए थे, बट स्टिल तब 50 साल पहले मतलब 1963, स्टार वॉर्स से भी सालों पहले। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन सा इतना पॉपुलर साईफाई शो है जिसका नाम भी मुझे उसके 50th एनिवर्सरी पर पता चल रहा है, और बस भाई तब से लग गया मैं इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने, और धीरे धीरे मैं भी इसके स्पेशल कल्ट का हिस्सा बन गया। ओरिजिनली डॉक्टर हु 1963 से 1989 तक चला था, बट फिर इसके बाद 2005 में बीबीसी ने इसे रिन्यू कर दिया। रिन्यू, रिबूट नहीं, मतलब बेस स्टोरी अब भी वही है। तो क्या इस स्पेशल क्लब का हिस्सा बनने के लिए आपको भी इसके सारे 38 सीजन देखने की जरूरत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इसके सुपर डाई हार्ड फैंस नहीं, डॉक्टर हु के सारे सीजन देखे होंगे। 1963 से लेकर 2020 तक डॉक्टर हु का कैरेक्टर 13 लीड एक्टर्स ने प्ले किया है, मतलब आज तक इन टोटल 13 डॉक्टर्स आ चुके हैं। फर्स्ट डॉक्टर 1963 टू 1966, सेकंड डॉक्टर 1966 टू 1969, थर्ड डॉक्टर 1970 टू 1974, फोर्थ उस जमाने का सबसे हिपस्टर डॉक्टर 1974 टू 1981, फिफ्थ डॉक्टर 1981 टू 1984, सिक्स्थ डॉक्टर 1984 टू 1986, सेवेंथ डॉक्टर 1987 टू 1989। इसके बाद ये शो थोड़े टाइम के लिए कैंसिल हो गया था। एट्थ डॉक्टर 1996 के स्पेशल टीवी फिल्म के लिए, फिर एक और बड़ा सा गैप, एंड नाइन्थ डॉक्टर 2005, टेंथ डॉक्टर 2005 टू 2010, इलेवंथ और मेरा सबसे फेवरेट डॉक्टर 2010 टू 2013, ट्वेल्थ डॉक्टर 2013 टू 2017, एंड फाइनली 13th डॉक्टर 2017 टू प्रेजेंट। इन मेन 13 डॉक्टर्स को छोड़कर एक और एडिशनल डॉक्टर है, वॉर डॉक्टर, जिसने 50th एनिवर्सरी स्पेशल में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो टेक्निकली 14 डॉक्टर्स हैं, बट क्रोनोलॉजिकली बस 13 को ही काउंट किया जाता है। इतने डिटेल में हर डॉक्टर के टाइम पीरियड के बारे में बता दिया, क्योंकि हर डॉक्टर का अपना एक स्पेशल स्टोरी आर्क होता है। मतलब टेक्निकली आपको सारे सीजंस देखने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी एक डॉक्टर की स्टोरी लाइन पकड़िए और देखो अच्छा लगता है क्या। इसके नए और इंटरेस्टेड व्यूअर्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो 2005 की बाद वाली सीरीज ही देखें, और उसमें भी 11th या 10th डॉक्टर का आर्क पहले देखना, और अगर कंसेप्ट अच्छा लगे तो देख डालो सब। आई नो, एक फैन होने के हिसाब से ये थोड़े शो को डिसरिस्पेक्ट करने वाली एडवाइस थी, बट आजकल लोगों के पास टाइम और पेशेंस दोनों कम है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इस शो को कहीं भी बीच में स्टार्ट करने पर सब समझ आएगा? एज लॉन्ग एज आप उस स्पेसिफिक डॉक्टर की स्टोरी को शुरुआत से फॉलो करते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 11th डॉक्टर यानी सीजन 5 से शुरू करो, क्योंकि उसके पहले वाले सीजंस का बैड VFX क्वालिटी देखकर चांसेस है कि आप इस शो को देखना ही बंद कर दें। एक बार आदत लग गई तब रियलाइज होगा कि VFX से ज्यादा स्टोरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस सीरीज को बीच में से शुरू करने से पहले आप लोगों को क्या जानने की जरूरत है? हु इज द डॉक्टर? डॉक्टर प्लैनेट गैलिफ्रे से भागा एक एलियन टाइम लॉर्ड है। इसका असली नाम किसी को नहीं पता, सब लोग इसे बस डॉक्टर के नाम से जानते हैं। जब भी कोई इसका नाम सुनता है डॉक्टर, उनका पहला क्वेश्चन होता है डॉक्टर हु? और भाई यही वजह है इस शो के नाम की, डॉक्टर हु। बेसिकली कोई नहीं जानता, ये बस एक निकनेम है, सबको बचाने वाला डॉक्टर। तो डॉक्टर प्लैनेट गैलिफ्रे से भागा एक टाइम लॉर्ड है। अब टाइम लॉर्ड मतलब क्या, और ये गैलिफ्रे से क्यों भागा था? टाइम लॉर्ड्स प्लैनेट गैलिफ्रे पर रहने वाली एक ऐसी एलियन प्रजाति है जिन्होंने टाइम ट्रेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। टाइम में आगे या पीछे ट्रेवल करने वाले टाइम लॉर्ड्स। इस टाइम लॉर्ड्स प्रजाति में एक और खास बात है कि अगर वो चाहे तो मरने से पहले अपनी बॉडी को पूरी तरह से रीजनरेट कर सकते हैं। रीजनरेशन वाले प्रोसेस के एक्टिवेट होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से एक है ओल्ड एज।
अगर डॉक्टर बूढ़ा हो गया तो वो अपनी बॉडी को रीजनरेट करके फिर से जवान बन सकता है। बट रीजनरेट मतलब वो फिर से बच्चे से लेकर बड़ा नहीं होता, बट इस रीजनरेशन वाले प्रोसेस के बाद उसकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो आप समझे कि कैसे ये शो 1963 से अभी तक सेम स्टोरी फॉलो कर रहा है। मेन कैरेक्टर को चेंज करना है, सिंपल, उसे रीजनरेट करके नई पर्सनैलिटी दे दो। हाल ही में ये भी साबित हो गया कि अगर टाइम लॉर्ड चाहे तो वो अपनी मेल बॉडी को रीजनरेट करके फीमेल बॉडी में भी बदल सकता है या फिर सकती है। तो इसीलिए 13th डॉक्टर फीमेल है। एक्चुअल में रीजनरेशन वाला प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसे ओवर सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ। तो डॉक्टर की एक्चुअल उम्र कितनी है? वेल, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, बस इतना समझ लो कि बिटवीन 3000 टू 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ओह बाय द वे, डॉक्टर के सीने में दो दिल धड़कते हैं और अपनी पर्सनैलिटी चेंज होने के बावजूद भी डॉक्टर को पिछला सब कुछ याद रहता है। तो ये हो गए डॉक्टर की रीजनरेशन एबिलिटीज। अब बात करते हैं इसके टाइम मशीन के बारे में। डॉक्टर टाइम एंड स्पेस में आगे या पीछे ट्रैवल करने के लिए स्टारडिस्ट नामी टाइम मशीन कम स्पेसशिप को यूज करता है। स्टारडिस्ट दिखने में एक ब्लू कलर के टेलीफोन बूथ जैसी है। 1963 में जब ये शो ओरिजिनली लॉन्च हुआ था तब इस तरह के ब्लू टेलीफोन पुलिस बॉक्सेस इंग्लैंड में बहुत कॉमन थे। उस वक्त पार्किंग के झंझट से बचने के लिए डॉक्टर ने अपने टाइम मशीन के आउटर स्ट्रक्चर को इस ब्लू टेलीफोन बूथ का रूप दे दिया था। बट उसके बाद टार्डिस का ये रूप चेंज करने वाला मैकेनिज्म खराब हो गया और ये हमेशा हमेशा के लिए इसी शेप में अटक गई। इसके बाहर वाले स्ट्रक्चर पर मत जाना, अंदर से ये अब भी फुल फ्लेज स्पेसशिप ही है। सिंपल भाषा में, इट्स बिगर ऑन द इनसाइड। डॉक्टर की बॉडी के रीजनरेट होते ही टार्डिस का भी इंटीरियर चेंज होता है। नया डॉक्टर, नए कपड़े और अंदर से नई टार्डिस। काफी लंबा बबल्स और गेट वाला लॉजिक है इसके पीछे, अभी के लिए नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये स्पेसशिप डॉक्टर के पास कहां से आई? वेल, वो गैलिफ्रे को छोड़ने से पहले वहां से ये शिप चुरा के भागा था। ओके, बट डॉक्टर गैलिफ्रे से भागा क्यों? ओरिजिनल सीरीज के हिसाब से डॉक्टर अपने ग्रैंड डॉटर के साथ गैलिफ्रे छोड़कर अर्थ पर आया था क्योंकि उन्हें टाइम लॉर्ड्स ने तड़ी पार कर दिया था। बट बाद में हमें पता चला कि नहीं, डॉक्टर ने गैलिफ्रे अपने मन से छोड़ा था क्योंकि वो बोर हो गया था और उसे एडवेंचर्स पर जाना था, इसलिए वहां से एक टार्डिस चुरा कर भाग गया। बट सीजन 9 के हिसाब से ये बात भी गलत है, मतलब टेक्निकली इसका अभी तक कोई ऑफिशियल आंसर नहीं है। इसके बाद एक बड़े से टाइम वॉर में गैलिफ्रे प्लानेट नष्ट हो गया। चलो बता ही देता हूँ, गैलिफ्रे के खात्मे के पीछे भी डॉक्टर का ही हाथ था। अपने प्लानेट को टाइम वॉर से बचाने के चक्कर में 8th डॉक्टर ने गैलिफ्रे समेत सारे टाइम लॉर्ड्स का खात्मा कर दिया। मतलब अपने 9th इनकार्नेशन के बाद से डॉक्टर अपने प्रजाति का आखिरी टाइम लॉर्ड जिंदा बच गया। ऑलरेडी बहुत सारे स्पॉयलर्स हो रहे हैं इसलिए अब ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ओके, तो डॉक्टर एक ऐसा एलियन है जो अपने टाइम मशीन यानी टार्डिस की मदद से टाइम में आगे या पीछे जाकर लोगों की मदद करता है। बट जब आप हजारों साल तक जिंदा रहते हो तो ये टाइम ट्रैवलिंग एडवेंचर्स काफी लोनली फील होते हैं, इसीलिए हर नया डॉक्टर अपने एडवेंचर्स पर जाने से पहले एक ट्रैवल पार्टनर को चूज करता है, डॉक्टर्स कंपेनियन। मोस्टली ये कंपेनियंस ह्यूमन होते हैं एक्सेप्ट डॉक्टर की पहली कंपेनियन। डॉक्टर की फर्स्ट कंपेनियन थी उसकी पोती सुजन, बट बाद में सुजन ने ये एडवेंचर्स वाली लाइफ छोड़कर एक आम इंसान से शादी कर ली और अर्थ पर नॉर्मल जिंदगी गुजारने लग गई। सुजन के जाने के बाद डॉक्टर ने बहुत सारे कंपेनियंस चेंज कर दिए, बट डॉक्टर के साथ कूल मिशन पर जाना ऑलमोस्ट सारे कंपेनियंस को भारी पड़ता है। समझ लो एक बार डॉक्टर के साथ एडवेंचर्स पर जाने लग जाओ, उसके बाद आपकी पूरी लाइफ बदल कर रह जाएगी। What will you do? कल को ये handsome man या good looking woman आपके दरवाजे पर time machine लेकर आए और बोले, Hey, I'm the doctor. मेरी इस time machine से हम time और space में कहीं भी जा सकते हैं, dinosaur के जमाने से लेकर दुनिया के खत्म होने वाले दिन तक। क्या तुम मेरे time travel buddy बनोगे? What will you do? यही शो का main plot है। Time travel मतलब हर episode डॉक्टर को नए पुराने या कभी कभी अजीब अजीब जगहों पर लेकर जाता है। ऐसे जगह जो जरूरी नहीं कि बस मजे मारने सेफ हो। 99% टाइम डॉक्टर खुद को और अपने कंपेनियन को कूल एडवेंचर्स के बहाने जानलेवा प्रॉब्लम्स में डाल देता है, बट ये सब देखने में काफी मजा आता है, स्पेशली इनका प्रोडक्शन डिजाइन, मॉडर्न और विंटेज टेक्नोलॉजी का मिक्सचर। मॉडर्न और विंटेज टेक्नोलॉजी से याद आया, डॉक्टर का इकलौता हथियार, टूल, क्योंकि ये जनरली अपने साथ कोई बंदूक या हथियार कैरी नहीं करता। मुसीबत के वक्त डॉक्टर अपने सोनिक स्क्रू ड्राइवर से काम चलाता है। सोनिक स्क्रू ड्राइवर मतलब समझ लो एक टाइप का फ्यूचरिस्टिक मल्टीपर्पज टूल। डॉक्टर इसकी मदद से किसी भी चीज को स्कैन और कंट्रोल कर सकता है, किसी भी डिवाइस को हैक कर सकता है, एज लॉन्ग एज वो लकड़ी का ना बना हो, क्योंकि वुडन चीजों पर सोनिक स्क्रू ड्राइवर काम नहीं करता। ओके, तो डॉक्टर हो गया, उसके कंपेनियंस हो गए, टार्डिस हो गया, सोनिक स्क्रू ड्राइवर भी हो गया। अब बात करते हैं सीरीज के विलन्स की। डॉक्टर के मोस्ट आइकॉनिक विलन्स में शामिल हैं डेलेक्स, साइबरमैन, द साइलेंस, Zygons, The Master और मेरे पर्सनल फेवरेट The Weeping Angels। इनमें से डेलेक और The Master डॉक्टर के आर्च एनिमीज की तरह हैं।
आई थिंक मैंने मैक्सिमम बेसिक्स क्लियर कर दिए। अगर आप इस शो को देखने में इंटरेस्टेड हो तो एज ऑफ अक्टूबर 2020 इसके सारे एपिसोड्स Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हैं। सारे मतलब 2005 के बाद वाले। आई डोंट नो क्यों, बट ये शो मेरे लिए पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करता है। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक आई एम द डॉक्टर अब तक का मेरा फेवरेट बैकग्राउंड म्यूजिक है, और मैट स्मिथ के इस एक डायलॉग के बाद ही आई वॉज टोटली हुक्ड। हेलो, आई एम द डॉक्टर। क्या कमाल का डायलॉग है और उतनी ही कमाल की डिलीवरी। आई नो थोड़ा ब्रैगिंग जैसा लगेगा, बट कुछ साल पहले कॉमिक कॉन में मैंने डॉक्टर का कॉस्प्ले किया था, और तुम्हारे भाई का कॉस्प्ले डॉक्टर हु के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस पर फीचर भी हुआ था। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। लव यू 30,000। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।